नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट्सॉप से। आज हम लोग जर्मन शेफर्ड की टैपिंग कर रहे हैं। इसका आप ईयर देख सकते हैं, फर्श पे जूम कीजिए। तो इसका कान आप देख सकते हैं, यहाँ इसके रूट से ही गिरा है और एक आप देख सकते हैं ये स्टैंड है प्रॉपर और ये पूरा डाउन है। तो इसका बहुत सारा रीज़न होता है कि कान गिरने का, कुछ वीकनेस के कारण भी होता है, कुछ एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं। तो इन केसों में आप, अगर आपका डॉग 4 से 5 महीने के आसपास है तो आप उसकी टैपिंग कर ले, उसे रिकवर होने के चांसेस हैं और हो भी जाते हैं। तो आप अभी हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे उसकी टैपिंग करते हैं। इसका तो एक चैप्टर रह गया तो आगे इसमें देखिए, यहाँ एक पट्टी डाली है मैंने जो इसके कान के साइज को मेजर करके इसके पॉइंट से, जो इसका अल्टर पॉइंट है वहाँ से पूरा इसका टॉप तक लिया गया। तो अभी हम इसको चिपकाएंगे इसमें कपड़े में, हेड हिलाएंगे बस थोड़ा देर। बस 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 छोटे, अभी मत पकड़, क्योंकि अभी हिला रहा है। और ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल जैसे टेप करते हैं एक साइड कर लेंगे इसको। छोड़ी पे इसको, हो गया, ये टेप चले गए इसके लिए, क्योंकि वो चिपक जाना चाहिए। अभी चिपकने से चल दो अब निकाल के दिखा। ये टेप ही थोड़ा सा अलग टाइप का है, पेपर टेप है, तो इसी कारण से सारा दिक्कत परेशानी हो रही है। और यहाँ एक फिंगर का गैप रखते हुए इसको पूरा रोटेट करना है। हाँ, और इसको हल्के हाथों से लपेटेंगे, वो टाइट नहीं लपेटना है। ब्लड सर्कुलेशन बस चालू रहना चाहिए। तो ये इसका पहला स्टेप है। अब यही सेम प्रोसेस इसके वो मेजर करना है, बहुत अंदर नहीं डालेंगे। बॉटम से लेके टॉप तक बस नाप लेना है इसको। अभी तो ये टेप चल रहा है, लेकिन इसके लिए एक टेप आता है प्लास्टर टेप, वो यूज होगा। फिलहाल मैं इसे बता रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लास्टर टेप भी दिखाएंगे उसे कैसे करते हैं। इसके साइज से बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटना है।
और स्टिकी इधर साइड से है और इसको उल्टे साइड से फिर से इसको चिपकाएंगे। तो बराबर से वैसे ही कट कर लेना इसको। और जिधर आपका चिपकने वाला साइड है तो ईयर का सेंटर लेते हुए देख लीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं आज तक इसको पूरा चिपका लेंगे। जो एक्स्ट्रा कोर है इसको वैसे होल्ड करते हुए और जब इसको निकालेंगे ना तो जैसे बाल जिस रूट में होगा बस उसी रूट में उखाड़ेंगे भी, तो फिर बस सीधा निकालिएगा तो बाल सारा खींच के हाथ में आ जाएगा। वो ध्यान रखना आपको, ये कंप्लीट हो गया। और जिसके टॉप से टूटा होता है या सेंटर से टूटा होता है तो उसको वहीं से थोड़ा सा नीचे से करेंगे, पूरा अंदर से लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार रॉड की वीडियो हम लोग डालने वाले हैं, तो रॉड की वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं जल्द से जल्द रॉड की वीडियो भी अपलोड करूं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जर्मन सपोर्ट से बिल्कुल डिफरेंट है रॉड का, तो आप इस वीडियो का वेट करें और वो भी देखें कैसे करते हैं। कोशिश करें और हम इसको बचा सकें। बैक साइड पहले प्रॉपर चिपका लीजिए, उसके बाद एक फिंगर का गैप देते हुए इसको पूरा रोटेशन दे देंगे। इसमें गैप होना चाहिए है ना, ताकि इसका ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत ना हो। हेयर निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इसका बनेगा ब्रिज। अब इसका आखिरी पार्ट जो कि सबसे मेन है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जर्मन शेफर्ड का कान जब तक पूरे तरह से जितना दोनों आपस में जुड़ा होगा उतना ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है ना भाई। मेन तो यही है, जितना अच्छा कान रहेगा उतना ही अच्छा लुक इसका आएगा। बस यहाँ यहाँ पर थम रखी, बस आपके हाथों में चिपक रहा है, यहाँ पे चिपक जाए। बहुत ज़्यादा नहीं चिपकाना, डिस्टेंस गैप नहीं, और जितने हल्के हाथों से करें, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। एक फ्रंट से बोले लेते क्योंकि इसके लिए अभी ये बिल्कुल सा नया चीज एहसास है जो इसको मिल रहा है।
हम इसको थोड़ा छोड़ दें। मेहनत करना चालू हो गया, दिखाइए वजन। वजन वजन हाँ, ये इसकी टीम। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और जो कुछ भी आपने देखा सीखा इस वीडियो से लोगों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। वीडियो पर लाइक बिल्कुल नहीं आते, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी का जो डिटेल होगा वो हम लोग अगली वीडियो में शूट करेंगे कि इसका कान किस तरह से खड़ा हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त।